हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 5 स्मार्टफोन के बारे में जो कि आपको अंडर 20,000 देखने को मिल जाएंगे और इन्हीं में आपको देखने को मिलेगी एक बड़ी डिस्प्ले, साथ ही साथ पावरफुल परफॉर्मेंस और एक फास्ट चार्जर का सपोर्ट। और गाइस, इसमें आपको ट्रिपल या फिर क्वाड कैमरा सेटअप भी देखने को मिलने वाला है। तो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 5 स्मार्टफोन के बारे में जो आपको अंडर 20,000 के बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस के साथ देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करें इस लिस्ट के 5th स्मार्टफोन को लेकर, तो वो है रियलमी X7 5G। और बात करें इसकी फुल स्पेसिफिकेशंस को, तो सबसे पहले इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे। उसमें आपको 6.4 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जो कि 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। तो गाइस, इसमें आपको डिस्प्ले में व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिलने वाला है। अगर हम बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर, तो इसमें आपको रियलमी UI के साथ एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस को लेकर, तो इस स्मार्टफोन में आपको एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर मिलने वाला है जो कि है Dimensity 800U का। सो गाइज, ये 5G प्रोसेसर है। तो गाइज, बात करें इसके रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट को लेकर, तो इसमें आपको 6GB की रैम और 128GB की स्टोरेज कैपेसिटी मिलने वाली है। अगर बात करें इसके कैमरा सेटअप को लेकर, तो गाइज, इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा जो कि 64MP के मेन सेंसर के साथ आएगा और इसी के साथ 8MP और 2MP के अदर सेंसर मिलने वाले हैं। बात करें फ्रंट सेल्फी कैमरा की, तो इसी स्मार्टफोन में 16MP का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और गाइज, इस स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट भी मिलने वाला है। बात करें इसकी बैटरी कैपेसिटी को लेकर, तो इसमें आपको 4310mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलेगी जो कि 50W के फास्ट चार्जर सपोर्ट के साथ आती है। अगर बात करें इसकी प्राइसिंग को लेकर, तो इसका बेस वेरियंट आपको 6GB 128GB का मिलने वाला है 1999 rupees का, जो कि अंडर 20,000 देखने को मिल जाता है। तो गाइज, बात करें इस लिस्ट के 4th स्मार्टफोन को लेकर, तो वो है रियलमी 8 प्रो। सो गाइज, इसमें भी आपको काफी अच्छी स्पेसिफिकेशंस मिलने वाली है। बात करें इसकी डिस्प्ले को लेकर, तो इसमें आपको 6.4 इंच की फुल HD प्लस एस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। गाइज, इसका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा रहने वाला है। अगर हम बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर, तो इसमें आपको रियलमी का UI सिस्टम देखने को मिल जाएगा जो कि एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड है। इसी के साथ बात करें इसकी परफॉर्मेंस को लेकर, तो इसमें आपको काफी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ये सेम प्रोसेसर आपको रियलमी 7 सीरीज में भी देखने को मिल रहा था। अगर बात करें इसके रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट को लेकर, तो इसमें 6GB एंड 128GB के रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलेगा। तो गाइज, अगर हम बात करें इसके कैमरा सेटअप को लेकर, तो इसमें जो आपको मेन सेंसर मिलने वाला है वो होने वाला है 108MP का। जी हाँ गाइज, ये स्मार्टफोन 108MP के प्राइमरी सेंसर के साथ आने वाला है और इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा 108MP +8+2+2MP का। अगर बात करें इसके फ्रंट सेल्फी कैमरा को लेकर, तो इसमें भी आपको 16MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। इसी के साथ इसकी बैटरी कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी 4500mAh की, जो कि 50W के फास्ट चार्जर सपोर्ट के साथ आने वाली है। अगर बात करें इसके फिंगरप्रिंट सेंसर को लेकर, तो इसमें भी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो गाइज, अगर बात करें इसकी प्राइसिंग को लेकर, तो इसका बेस वेरियंट आपको 6GB 128GB का मिलने वाला है 17,999 rupees का। जी हाँ गाइज, ये स्मार्टफोन आपको 18,000 में देखने को मिल जाता है। तो गाइज, बात करें नेक्स्ट स्मार्टफोन की जो कि इस लिस्ट में 3rd नंबर पर आता है, वो होने वाला है मोटरोला का। जी हाँ गाइज, अगर आप एक इंडियन ब्रांड के साथ जाना चाहते हैं तो आप इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। ये स्मार्टफोन है मोटो G60। और गाइज, अगर बात करें इसकी डिस्प्ले को लेकर, तो इसमें आपको 6.8 इंच की एक बहुत ही बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले रहने वाली है। लेकिन गाइज, अच्छी बात ये रहेगी कि इसमें आपको 120Hz का हाइयर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। तो गाइज, अगर हम बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम और एंड्रॉइड वर्जन को लेकर, तो इसमें आपको एक स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा और इसी के साथ एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट भी मिलने वाला है। सो गाइस, बात करें इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इसी के साथ रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट की बात करें, तो 6GB की रैम एंड 128GB की स्टोरेज कैपेसिटी के साथ ये स्मार्टफोन आता है। और गाइज, अच्छी बात ये रहने वाली है कि इसमें भी आपको 108MP का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने वाला है 108 प्लस 8
प्लस 2 मेगापिक्सल का। साथ ही साथ बात करें फ्रंट सेल्फी कैमरा की, तो गाइज इन सभी स्मार्टफोन में से इसमें आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा काफी बेटर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और सभी स्मार्टफोन से लेकर इसमें भी आपको एक बहुत ही बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी। जी हाँ गाइज, इसमें आपको 6000 मिली एम्पायर की बैटरी कैपेसिटी मिलने वाली है, जो कि 20 वॉट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करती है। तो गाइज आप इस स्मार्टफोन के साथ भी जा सकते हैं। इस स्मार्टफोन की बेस वेरियंट की प्राइसिंग होगी 6GB 128GB के लिए 17,999 रुपीज। अब बात करें हमारे इस लिस्ट के नेक्स्ट स्मार्टफोन की, जी हाँ गाइज, सेकंड नंबर पर आता है रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स। और अगर बात करें इसकी डिस्प्ले को लेकर, तो इसमें भी आपको 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस एस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट भी। तो गाइज अगर आप एक डिस्प्ले वाइज काफी अच्छा स्मार्टफोन देखना चाहते हैं तो आप ये स्मार्टफोन बाय कर सकते हैं। तो गाइज बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर, तो इसमें MIUI 12 के साथ Android 11 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर बात करें परफॉर्मेंस को लेकर, तो इसमें भी आपको सेम Motorola G60 के जैसा ही स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 6GB की रैम एंड 128GB की स्टोरेज कैपेसिटी के साथ। अगर बात करें कैमरा सेटअप को लेकर, तो गाइज क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आने वाला है। इसी स्मार्टफोन में भी आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाता है और 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल के अदर सेंसर के साथ ये क्वाड कैमरा सेटअप आता है। बात करें फ्रंट सेल्फी कैमरा को लेकर, तो 16 मेगापिक्सल के फ्रंट सेल्फी कैमरा के साथ ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। बात करें बैटरी कैपेसिटी को लेकर, तो इसमें आपको 5020mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलने वाली है, जो कि 33 वॉट के फास्ट चार्जर सपोर्ट के साथ आती है। अगर बात करें फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो इस स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो गाइज अगर आप एक बिगर डिस्प्ले के साथ एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ स्मार्टफोन चाहते हैं, तो आप इस स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। अगर बात करें हमारे इस लिस्ट के नंबर 1 स्मार्टफोन की, तो गाइज वो स्मार्टफोन है पोको X3 Pro। और गाइज इस स्मार्टफोन की फुल स्पेसिफिकेशन से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एक परफॉर्मेंस वाइज बेटर स्मार्टफोन चाहते हैं तो आप इस स्मार्टफोन को डायरेक्टली कंसीडर कर सकते हैं। बात करें इसकी डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें आपको 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर, तो इसमें भी आपको MIUI 12 के साथ Android 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ अगर बात करें इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो गाइज इसमें आपको एक बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस के साथ स्नैपड्रैगन 860 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और गाइज बात करें इसके रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट को लेकर, तो यहाँ पर 6GB और 128GB का वेरिएंट मिलने वाला है। बात करें इसके कैमरा सेटअप को लेकर, तो गाइज यहाँ पर इसका कैमरा सेटअप थोड़ा डाउनग्रेड होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ क्वाड कैमरा सेटअप मिलने वाला है, जो कि आपको देखने को मिलेगा 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के अदर सेंसर के साथ। अगर बात करें फ्रंट सेल्फी कैमरा को लेकर, तो 20 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा होने वाला है। इसी के साथ अगर हम बात करें इसकी बैटरी कैपेसिटी को लेकर, तो इसमें आपको 5160mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलेगी, जो कि 33 वॉट के फास्ट चार्जर सपोर्ट के साथ आती है। और गाइज इसमें भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो गाइज आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आप इन स्मार्टफोन को बाय करना पसंद करेंगे। और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह की किसी भी स्मार्टफोन और टेक्निकल अपडेट से जुड़ी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट।